अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। फैक्ट्री से बरतरफी, खातून ने पत्तों से पैसे कमाए। कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने वाली फिलिपाइन की एक खातून ने दरख्त के पत्तों में रोजी तलाश की। तेईस साल मैरी एक फैक्ट्री में काम करती थी। ताहम नौकरी जाने के बाद उन्होंने अपने पसंदीदा मशगले यानी आर्ट को अपनाया। शुरू में इन्हें सामान मिलने में मुश्किल हुई क्योंकि फिलिपाइन इन ममालिक में से है जहां कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सबसे ज्यादा सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। आर्ट के लिए कैनवस ना मिलने पर उन्होंने अपने घर के बाहर जैक फ्रूट के दरख्त से पत्ते जमा किए और इन्हें बारीकी से काट कर मशहूर शख्सियात की शक्लें बनाई जिनमें गुलकार माइकल जैक्सन और फिलिपाइन के सदर शामिल हैं। इनका कहना था कि मैं आर्ट वर्क बनाना चाहती थी, तहम वबा और लॉकडाउन की वजह से इसके लिए मेरे इलाके में सामान मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पत्तों को कैनवस बनाया और वो बहुत अच्छा रहा। इनका घर फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मेनिला में है। इन्हें फेसबुक पर बहुत पजीराई मिली और अब तक इन्होंने ऐसी कई पत्ते फरोख्त कर दिए हैं। उन्होंने एक पत्ता तकरीबन $8 में फरोख्त किया है। अब वो फैक्ट्री में हफ्ते के 7 दिन काम करने के बजाय अपने मशगले से पैसे कमाती हैं। इनका कहना था कि इससे कमाई गई रकम वो अपने घर वालों के खाने, बिल की अदायगी और दीगर अखराजात पर लगाती हैं।